बहुत विडम्बना है। पूरी जवानी होमगार्ड में निकाल दी, अब जब बच्चे इस लायक हुए, पढ़ने लायक हुए, तो आज इनको निकाल दिया गया और बिगर नोटिस के, जिसकी रोजी रोटी जाती है। तो एक तरफ भारत सरकार और दिल्ली सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाएंगे कैसे और बचाएंगे कैसे जब रोजगार ही नहीं रहेगा। तो इसी बीच हमारे और साथी हैं जिनकी हालत देखने में बहुत ही नाजुक और लोग आंखों से ऐसे आंसू टपकते हैं जब रोजी रोटी चली जाएगी तो आदमी क्या करेगा। बच्चे हैं घर में, जाते हैं, पापा हमें ये स्कूल के लिए कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, लेकिन उनको दिलाने में भी असमर्थ होते हैं और बहाने लगाने पड़ते हैं। तो हमारे बीच में एक और साथी हैं, सर आपका नाम? मेरा नाम नारायण सिंह है। मैंने सर दिल्ली होमगार्ड में 5 साल तक सेवा की है जी। और दिल्ली होमगार्ड में एक जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे भर्ती लेते हैं 3 साल के लिए ले लिया, फिर उसके बाद में दो साल का एक्सटेंशन और देते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया सर ये दिल्ली सरकार की गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे जो होमगार्ड जवानों को, जैसे कोई भर्ती होता है 47 साल का, 47 साल के बाद में जिस जवान की उम्र 50 साल हो जाती है उसको ये निकाल देते हैं, जबकि अन्य राज्यों में होमगार्ड 60 साल है, दूसरे अदर स्टेटों में होमगार्ड 60 साल है। उनको वहाँ PF भी करता है, ESI करता है, सब कुछ करता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने दिल्ली सरकार ने ये सारा जो जितना कर रखा है ये बिल्कुल गलत है, हम इसको बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। ये सब चीज़ें जो इन्होंने कर रखी है, भर्ती 47 कर लेते हैं, उसके बाद 3 साल लगते हैं फिर निकाल देते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली होमगार्ड के अंदर भी जो अदर स्टेट में होमगार्ड 60 साल है वो 60 साल यहाँ भी होना चाहिए और हमारी सेवाओं को कंटिन्यू रखना चाहिए। हमें किसी को बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हमारी यही मांग है कि हमारे जो एक्स होमगार्ड हैं जो सन 2012 में उससे पहले जो निकाले गए हैं उन होमगार्डों को वापस लिया जाए, जो होमगार्ड 50 साल के बाद निकाले जा रहे हैं उनको रोका जाए, उनको वापसी लिया जाए, और हमारी जो 50 साल की जो रिटायरमेंट की जो इन्होंने समय सीमा रख रखी है उसको बढ़ाकर सीधा 60 साल कर दिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो तेज बोले आप सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हर तीन साल होमगार्ड को निकाल दिया जाता है, 1210,000 समथिंग की स्ट्रेंथ है हमारी, 10,000 की ट्रेनिंग करने में कितना खर्चा आता है, हर 5 साल बाद सरकार को और खर्चा करना पड़ता है और हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। यदि हमारे को ही रख लिया जाए इनका ट्रेनिंग का खर्चा बच जाएगा और इससे हम लोग को रोजगार भी मिल जाएगा, भारत सरकार का पैसा भी बच जाएगा और समाज की सुरक्षा भी होती रहेगी। ये सुझाव मैं सरकार को देना चाहता हूँ।